हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नया। जी हां, आज हम इस वीडियो में 30 वर्ड्स को लेने जा रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके जनरली प्लूरल बनते नहीं है। इनमें से लगभग 26 नाउन है और बाकी एडजेक्टिव है, एक प्रेपोजिशन भी है, लेकिन इनका बिल्कुल भी हम इसमें एस लगाएंगे, लेकिन एस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि ये नॉर्मली सिंगुलर ही होते हैं। और जब इसमें एस लगाएंगे आज, तो इससे कुछ न्यू मीनिंग बन जाएंगे, तो हमारी ये बहुत काम की चीज़ है। और इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके गलत बिना एस के यूज़ कर लेते हैं, जबकि कई जगह हमें जहाँ बिना एस के करने चाहिए वहाँ हम एस के साथ यूज़ कर लेते हैं। तो इन्हीं को आज हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं सीधा अपने इस व्हाइट बोर्ड की ओर। तो ये रहा आपके सामने, सबसे पहला है ड्रग। ड्रग मीन्स दवा, दवा यानी मेडिसिन। जबकि उसमें आप एस लगा देंगे तो ये ड्रग्स हो जाएगा। ड्रग्स मीन्स नशे की दवा, यानी जैसे चरस, अफीम, गांजा, ये इन सबको ड्रग्स कहेंगे। कई बार जो नहीं जानते हैं अनोइंगली क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे एक्स वाई जेड ड्रग्स ऐसे दवाई की दुकानों पे लिख देते हैं, जो कि गलत है। हाँ, कई जगह रहता है एक्स वाई जेड ड्रग एजेंसी, दैट इज करेक्ट। सेकेंड है आयरन। आयरन मीन्स लोहा। जबकि आयरन में एस लगा देंगे तो आयरन मीन्स बेड़ी। बेड़ी समझते हैं आप, जैसे वो जंजीरों में बांध देते हैं, तेरे नाम मूवी में देखा होगा, सलमान खान को हाथ पैर में ये लगा देते हैं, वो बेरी होती है ना, लोहे की जंजीर, जिससे किसी खूंखार कैदी या किसी पागल वगैरह को जिसमें ये किया जाए। थर्ड नंबर है कॉपर। कॉपर मीन्स तांबा। तांबा वही जो पूजा वगैरह करते हैं तो जल चढ़ाने का जो काम आता है, कॉपर जानते ही होंगे आप सब। और उसी में एस लगा देंगे तो कॉपर्स। कॉपर्स मीन्स सिक्के, है ना, सिक्का। सिक्का लेकिन ये ऑर्डिनरी जो क्वाइन होता है वो नहीं, बल्कि यहाँ पर वो कॉपर का ही क्वाइन है ना, तांबे का ही सिक्का या फिर ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या है? ताम्रपत्र हो गया आपको जैसे पहले के समय में कोई मेटल पे कुछ, खासकर सोना चांदी तांबे इन सब पे कुछ लिखना होता है, जैसे आज कागज पे लिखते हैं, बड़े पुराने समय में उसी पे कुछ लिख करके संदेश देना या कुछ ऐसा, तो वो भी ताम्रपत्र हो गया। फिर आपका सैंड। सैंड मीन्स बालू। जबकि सैंड में एस लगा देंगे तो सैंड्स मीन्स रेगिस्तान, मरुस्थल, जो भी कह लीजिए ना, डेजर्ट, है ना। फिर नंबर। नंबर मीन्स संख्या, जानते ही हैं, एक दो तीन, ये नंबर हो गए। लेकिन यदि नंबर में एस लगा दिए तो ये नंबर्स हो गए। नंबर्स का मीनिंग हो गया कविता की मात्रा, यानी वर्सिफिकेशन, इंग्लिश में बोले तो वर्सिफिकेशन। ये खैर जब आप लिटरेचर ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको क्या वर्सिफिकेशन है क्या, जैसे आप जानते होंगे सोनेट आपने पढ़ा होगा, वो पोएम का एक प्रकार है वर्सिफिकेशन, इसी प्रकार से उसमें लगा करके फिर वो बैलड होता है, फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो डिटेल में आपको बाद में पढ़ना है। फिर आपको कस्टम। कस्टम मीन्स प्रथा। जबकि कस्टम से एस लगा दिए तो चुंगी, सीमा शुल्क, यानी समझे, चुंगी या सीमा शुल्क का मतलब हो गया वो जो इम्पोर्ट टैक्स वगैरह लगता है, यानी नॉर्मली कहिए ना तो कस्टम्स मीन्स टैक्स, और वो जिस प्रकार का भी हो इकोनॉमिकली वो बाद में उसको देखा जाएगा। लैंड। लैंड मीन्स भूमि यानी जमीन, जबकि लैंड्स मीन्स देश। एक नॉवेल नाइन्थ में पहले पढ़ना था, गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो उसमें एक चैप्टर का नाम था इन लैंड्स ऑफ लिलीपुट, यानी लिलीपुटियंस का देश, है ना। तो इसी प्रकार वुड मीन्स लकड़ी, जबकि वुड्स मीन्स जंगल। अब देखिए, हाँ, एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि वुड का मीनिंग भी जंगल हो सकता है, लेकिन वुड्स मीन्स केवल और केवल जंगल, जबकि वुड मीन्स लकड़ी तो है ही, जंगल भी कह सकते हैं, वुड्स मीन्स केवल और केवल आपको जंगल। इसी प्रकार का ये है आर्म मीन्स बाँ, ये जो बाजू है इसको कहेंगे, है ना, और आर्म्स मीन्स हथियार। यहाँ भी थोड़ा सा इन दोनों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो है आपको वो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कि हमें इसी प्रकार आर्म जो है वो आर्म में यदि एस लगा देंगे तो हमारे टू आर्म्स हो जाएंगे, तब भी वो भी आपको आर्म्स ही हो जाएंगे, है ना। फिर आपका क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स एक चौथाई, वन फोर्थ आप कह सकते हैं, एक हिस्सा के लिए, पार्ट के लिए, जबकि क्वार्टर्स मीन्स भवन। ये बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, वो बोलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर, नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर बिल्कुल नहीं होगा, पुलिस हेडक्वार्टर्स यानी पुलिस मुख्यालय। इसी प्रकार कहते हैं अरे वो ना रेलवे क्वार्टर में रहता है, ना ना बिल्कुल नहीं, रेलवे क्वार्टर्स में रहता है, भवन में रहता है। नेक्स्ट है आपका फिजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। फिजिक, फिजिक मीन्स दवा। अब इसी से क्या बना है, फिजिशियन। नॉर्मली हम लोग को सर्दी जुकाम बुखार या कुछ ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सबसे पहले फिजिशियन के पास। फिजिशियन हमें क्या देता है, फिजिक देता है, यानी दवाई देता है, यानी मेडिसिन देता है। फिर वो उससे नहीं क्योर होता तो फिर वो हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजता है कि हमें नहीं, आपका ये प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल नहीं है, आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फिर है मैनर। मैनर मीन्स तरीका, है ना, जबकि मैनर्स मीन्स व्यवहार।
मैनर मीन्स तरीका, जैसे इन व्हाट मैनर यू हैव डन इट, है ना, किस तरीके से तुमने इसे किया है, बट ऐसे कहेंगे हिज मैनर्स इज नॉट गुड, हिज मैनर्स इज बैड, यानी उसका व्यवहार गलत है। प्रेमाइस, प्रेमाइस क्या है, प्रेमाइस मीन्स प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, एक तो प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना भी होती है, लेकिन उसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन ये प्रस्तावना कुछ है। तो आखिर वो जो प्रीएम्बल है यानी वो प्रस्तावना संविधान की, उसमें क्या है, उसमें है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, उसका मूल रूप बस छोटे से एक पन्ने में बता दिया गया कि उसी पर आधारित, मतलब मूल वही है ना, एक आईना है कि उसके अंदर क्या है, है ना। इसी प्रकार से आप जनरली आप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके फर्स्ट पे या सेकेंड पेज पे फॉरवर्ड लिखा रहेगा, यानी कि इस बुक में किस बारे में किनका एफर्ट वगैरह है वो सारी बातें उसमें लिखी रहती है, तो उसको प्रस्तावना कहते हैं। जबकि उसी प्रेमाइस मेस लगा देंगे तो प्रेमाइस मीन्स परिसर। जैसे परिसर क्या हुआ, परिसर को बहुत सारे लोग कैंपस समझ लेते हैं, नहीं, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में कैंपस हो गया, यानी आउटसाइड द रूम, यानी स्कूल बिल्डिंग को छोड़ करके जो खाली स्थान है, जबकि प्रेमाइसिस में वो अंदर वाले और इवन की बाहर वाले भी आ जाएंगे, तो परिसर उसको कहते हैं। फिर ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स धरती या मैदान, जबकि ग्राउंड्स मीन्स कारण। जनरली बोलने में कहते हैं आप ऐसा किस ग्राउंड पे कह सकते हैं, ना ना बिल्कुल नहीं, किस ग्राउंड पे आप ऐसा कह सकते हैं, क्या ग्राउंड है इसका आपका ऐसा करने का, है ना। जिस प्रकार से ये 15th नंबर है, आज हमें टोटल 30 पढ़। तो अब ये रहा आपके पास 16 to 30, आज टोटल हमें 30 जाना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट में मैं पिछले जो 1 to 15 आपको मैं बताया हूँ उसमें एक छूट गया, एक जगह था पेन, पेन मीन्स दर्द, जबकि पेंस मीन्स प्रयास, है ना, एन एफर्टफुल अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग, यानी प्रयास। देखिए एक एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा, नो पेन नो गेन, बहुत लोगों के मुँह से, लेकिन ये गलत है, नो पेंस नो गेंस, यानी नो पेंस, आपने पेंस माने प्रयास नहीं किया, एफर्ट किया, नो गेंस, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। चलिए तो आज का आप अगला करते हैं एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह, जो किसी को हम कोई एडवाइस देते हैं, और ये एडवाइसेज माने सूचना है, आपको बताऊं कि ये कौन सी सूचना है, इन्फॉर्मेशन वो नॉर्मल नहीं, इसका मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली यूज होता है, मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो हम लोगों को क्या होता है कि हमारे, मान लीजिए गवर्नमेंट पैसे देती है, लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट से बैंकों को ये एडवाइसेज भेजी जाती है, पैसे तो बैंक से ही आते हैं, अकाउंट में आते हैं, तो उनको ये एडवाइसेज दी जाती है कि भाई हाँ भाई इन्होंने इतना दिन वर्क किया इस महीने में, इनकी सैलरी इतनी है, तो ये उसी को एडवाइसेज कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग बोलचाल में इसको बोल देते हैं कि हाँ भाई एडवाइस बैंक गया कि नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा ही गलत है, एडवाइसेज ही होगा। फिर आपको विस्पर, विस्पर मीन्स शाम या सांध्य तारा, जबकि विस्पर्स मीन्स शाम की प्रार्थना, है ना, ये तारा स्टार हो गया, इवनिंग स्टार, जबकि वो इवनिंग का प्रेयर हो गया। इसी प्रकार वे, वे मीन्स रास्ता हो गया, जबकि वेज मीन्स व्यवहार होंगे, है ना। उसके बाद फ्रूट मीन्स फल, जबकि फ्रूट्स मीन्स परिणाम यानी कि रिजल्ट। इसी प्रकार से आप आ जाइए 20 में टाइम, टाइम मीन्स समय, जबकि टाइम्स मीन्स काल। अच्छा ये समझ लीजिए, टाइम मीन्स समय, तो टाइम्स मीन्स काल, समय काल क्या लगभग एक ही होता है, जनरली लोगों के मन में आ जाता है अच्छा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, नहीं, काल मीन्स हो गया ए अराउंड ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा आपने सुना होगा जरूर मुगल काल, है ना, ये मुगल कालीन है, ये बौद्ध कालीन ये वस्तु है, तो क्या काल, मतलब उसके आसपास, मुगल जितने दिन तक रहे, नॉट कि आज गद्दी संभाली तो आज से मुगल काल शुरू हो गया, वो जितने दिन रहे उससे थोड़े दिन बाद ही शुरू हुए ना, अभी अभी राजा बने, कोई बाबर आया तो ऐसे, फिर उससे लेकर के उसका प्रभाव, चाहे उनकी सत्ता चली गई तब भी हो जाएगा मुगल कालीन, किसी चीज में स्टाइल होता है, है ना, कि मुगल कालीन है या बौद्ध कालीन है, तो ये काल एक फिक्स पीरियड है ना, तो वो टाइम्स हो गया। इसी प्रकार कलर मीन्स रंग, जबकि कलर्स मीन्स झंडा, अब ये झंडा यानी फ्लैग। तो देखिए फिर मैं कहूँगा एक, जैसे अभी पहले हमने लैंड में बताया था, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो गुलिवर्स ट्रेवल्स नॉवेल्स थी जो पहले 9th क्लास में पढ़ना था, उसमें एक जगह ये भी है कलर्स लिखा हुआ, वहाँ फ्लैग, कोई फ्लैग नहीं लिखा हुआ, कलर्स, वैसे कलर्स मीन्स फ्लैग हुआ, बट ये ऑफिशियल फ्लैग हुआ, या सरकारी झंडा कह लीजिए, आधिकारिक झंडा कह लीजिए। फिर आपका वाटर, वाटर मीन्स पानी, जबकि वाटर्स मीन्स समुद्र या जलाशय, जी। और इसी प्रकार से अब्यूज, अब्यूज मीन्स दुरुपयोग, दुरुपयोग यानी मिसयूज, जिसको आप कहते हो, है ना, आपने सुना होगा यूज एंड अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, तो अब्यूज दुरुपयोग, जबकि अब्यूजेज मीन्स कुरीतियाँ, कुरीतियाँ मीन्स क्या हो गए, कुरीतियाँ, जो अच्छी रीतियाँ नहीं, यानी बैड कस्टम्स, है ना, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब था, ये सब क्या थी, कुरीतियाँ थी, अब्यूजेज थी। एयर मीन्स तो हवा, सब लोग जानते हैं, लेकिन एयर मीन्स आबो हवा, आचरण, है ना, तो ये कि उसका ऐसा उसके एयर्स आजकल कुछ डिफरेंट है, या वो हवा, हाँ एक और भी होता है अकर या घमंड, भी इसी का मीनिंग होता है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, जबकि अल्फ़ाबेट्स कहेंगे,
तो भाषाएं हो जाएगी। जबकि हम गलतियों से कहते हैं हाँ भाई अल्फाबेट से लिखो यानी एबीसीडी लिखो, ना ना अल्फाबेट लिखो, अल्फाबेट में अपने आप उस भाषा के जितने भी लेटर्स हैं वो सब आ जाएंगे। अल्फाबेट मीन्स ही होता है लेटर इन ए अरेंज्ड वे। फिर है आपका रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापसी, कोई कहीं से रिटर्न होता है। लेकिन रिटर्न्स, रिटर्न्स मीन्स अब एक लाभ, लाभ यानी अरे उसको ना इतने रिटर्न्स मिले हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ यह देखिएगा कि फलाना डेविल रिटर्न्स, वो रिटर्न वर्ब है। यहाँ हम लोग सिर्फ मेनली नाउन और अन्य की बात करें जिसमें मेनली नाउन है, बाकी थोड़े बहुत एक दो एडजेक्टिव और कुछ है, तो वही है रिटर्न्स मीन्स यहाँ लाभ। यही नहीं आया इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आयकर विवरणी, इनकम टैक्स आयकर रिटर्न्स यानी कि विवरणी फाइल करना होता है। लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं रिटर्न, लेकिन जनरली लोग रिटर्न बोल देते हैं, नहीं वो रिटर्न यानी विवरणी, हिसाब किताब आपके इनकम का क्या है। फिर आइए फोर्स, फोर्स मीन्स शक्ति, लेकिन फोर्सेज मीन्स सेनाएं, आर्म्ड फोर्सेज, है ना। बिसाइड, हाँ ये है कि बिसाइड जो आपको मैं आज बता रहा हूँ, तो बिसाइड आपको नाउन नहीं है, जनरली इसमें आज मैं नाउन के आधार पर बताया था, लेकिन बिसाइड आपको प्रेपोजिशन है ना, ये जो है आपको प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन बिसाइड मीन्स के बगल में, लेकिन ये भी प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, एस लगा दिए तो के अलावा, के अलावा का मीन्स एक्सेप्ट यू, है ना। जैसे नो वन लिव्स विथ मी बिसाइड्स यू, मेरा तुम्हारे अलावा मेरे साथ कोई नहीं रहता, जबकि बिसाइड है कि आई एम सिटिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँ। फिर ये जो लास्ट के दो है ये भी आपको नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, गुड मीन्स अच्छा, जबकि गुड्स मीन्स माल या सामान, मालगाड़ी, मालगाड़ी का इंग्लिश ध्यान में होगा आपको, गुड्स ट्रेन उसको बोलते हैं यानी मालगाड़ी, है ना, गुड्स की सप्लाई, सामान जो भी कह लीजिए, ये भी एडजेक्टिव है आपको, ये दोनों जो है एडजेक्टिव है, जैसा कि अभी मैंने बताया, है ना। तो ये स्वीट मीन्स मीठा, जबकि स्वीट्स मीन्स मीठा। अच्छा ये याद रखना आप कि मिठाई एक भी खाएंगे तो भी कहेंगे आई हैव ईटन वन स्वीट्स, है ना, और दो खाया तब भी आई हैव ईटन टू स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स ही मिठाई होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये निश्चित रूप से पसंद आया होगा और एक नई जानकारी मिली होगी, जानकारी मिली हो तो आप हमें बताएं ताकि हम ऐसे वीडियोज और बना सके। वैसे आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो मेरे चैनल पे वीडियोज हैं उसमें ज़्यादातर मैं लिटरेचर के ही वीडियोज बना पा रहा हूँ, है ना, जैसे जिसमें NCERT के क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के सभी चैप्टर्स, इसके अलावा बिहार बोर्ड के 11, 12 के चैप्टर्स की ही वीडियोज मैं बनाता हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ बनाए वर्ब से रिलेटेड और 2 वीडियोज़ मैंने अभी तक बनाया फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, तो मैं ऐसे वीडियोज़ यानी ग्रामर से रिलेटेड या कुछ ऐसे यूनिक वीडियोज़ मैं और भी बनाता रहूँ। तो जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ साथ में यदि हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, हैव अ नाइस डे।